बेटू का है बर्थडे, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और साथ ही साथ दी के बेटे को भी मैंने यहाँ पर केक खिला दिया है। ये घर पर नहीं आई हुई थी तो ये वीडियो वगैरह बनाया। और बगल में जो ये है बेटी, वही सिस्टर की बेटी है। फिर बगल में मेरी दी है, दी का बेटा है। इधर मेरी जीजू। वीडियो वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती, ब्लॉग बना रही होती तो मैं ज़रूर अच्छी निकाल लिया है। और सूख जाएंगे तो वो सारे कपड़े मैं यहाँ पे डाल दूंगी सूखने के लिए। तो बहुत सारे कपड़े थे, मतलब कितना अच्छा लगता था मिट्टियों से करता है। तो बस यही रीज़न था मैं नहीं ब्लॉगिंग कर रही। इसमें है टमाटर, लहसुन, हरी यहाँ पर टमाटर की चटनी आज बनाई है, जो कि बहुत देखिए हमारी सब्जी जो है बन के रेडी हो गई है। और हमें चाय जो है अक्सर मैं पी रही हूँ। क्या हुआ कि बेटू जो स्कूल गया हुआ है तो मैंने सोचा चलो छत पे यहीं बैठ के आराम से वॉइस ओवर कर लेते हैं और बेटू को बुलाने। वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन मॉम लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर आज बेटू का है बर्थडे, जो कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे बर्थडे केक जो है वो कट हो रहा है। बेटू के बाबा जो है कट करा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक केक जो है घर पर कट करके मतलब वहाँ पर सेलिब्रेट किया है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आ गए हैं होटल में। तो यहाँ पे फिर हम लोग फिर से दोबारा दूसरा केक है कट कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं वो डायरेक्ट होटल में आए हुए हैं, घर पे नहीं पहुँच पाए हैं, तो इसलिए एक दोबारा हम लोगों ने केक यहाँ पे भी होटल में भी कट किया कि जो लोग मतलब नहीं शामिल हो पाए थे तो दोबारा यहाँ पर जो केक कट किया जाएगा। तो जो लोग मतलब डायरेक्ट होटल में आए हुए हैं वो लोग भी मतलब केक कट करवाने में साथ में रहेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक दूसरा केक यहाँ पे होटल में भी कट किया था। और ये है दी का बेटा। तो यहाँ पे बेटू अपने बाबा के से बोल रहा था कि बाबा मतलब दी के बेटे को कि इसको भी खिलाइए केक। तो यहाँ देखिए खुद ही अपने हाथ से खा ले रहा है। और उसके बाद यहाँ पर मैं बेटू को केक खिला रही हूँ। मैंने घर पर भी खिलाया था बेटू को और यहाँ पर भी खिला दे रही हूँ बेटू को केक। और साथ ही साथ दी के बेटे को भी मैंने यहाँ पर केक खिला दिया है। और बर्थडे का मैंने बहुत ज़्यादा क्लिप नहीं ले पाया है, क्योंकि क्या हुआ कि मैंने तो कोई वीडियो नहीं बनाया है और ना ही मैंने कोई फ़ोटो भी क्लिक किया था। एक्चुअली क्या होता है कि मतलब इतने सारे लोग रहते हैं, फिर आप वहाँ पर रहो तो अच्छा नहीं लगता है कि चलो वीडियो बनाओ। तो मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया है, बस यहाँ पे दी की बेटी थी वही थोड़ा सा क्लिप जो है ले ली थी, वो भी बहुत अच्छे से नहीं ले पाई है। देखिए आपको दिख भी रहा है, तो जो भी लिया है छोटी है अभी, तो बस वही थोड़ा सा मेरे पास था तो मैंने यहाँ पे क्लिप जो है बर्थडे वाला ऐड कर दिया है। और यहाँ पर अब ये मेरी मुझसे छोटी वाली सिस्टर है तो वो केक खिला रही हैं, क्योंकि ये घर पर नहीं आई हुई थी तो ये भी यहाँ पे बेटू को केक खिला दे रही हैं। उसके बाद मेरी दी हैं वो बेटू को केक खिलाएंगी, क्योंकि वो भी घर पे नहीं आई हुई थी, डायरेक्ट आई हैं होटल में, तो वो भी इनको यहाँ केक खिला देंगी। और यहाँ पे क्या हुआ, बेटू को गिफ्ट जो है मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं वो दिए हैं, तो बेटू डायरेक्ट मतलब उसको ले कैसे रख दिया। तो वही भैया जो हैं बोल रहे थे कि अरे थैंक यू तो बोल दो, तो वही यहाँ पे थैंक यू बोल रहा था। और इसलिए भी मैंने ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाया या उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि क्या है कि मैं कोई ब्लॉग वगैरह इस समय नहीं डाल रही थी, नहीं बना रही थी, तो इसलिए ऐसा कोई मतलब रीज़न नहीं था कि मैं ब्लॉग के लिए वीडियो बनाऊँ और शेयर करूँ। तो जो हो सका मतलब बन पाया कहीं से भी, तो मैंने थोड़ा बहुत जो मेरे पास वीडियो रखी थी बस ऐसे रखा था। लेकिन फिर मेरा अचानक से ही ऐसे मन कर दिया कि मैं ब्लॉग मतलब फिर से शेयर करूं, ब्लॉगिंग करूं, वीडियो बनाऊं, तो बस इसीलिए मतलब मैंने कोई वीडियो भी नहीं शूट किया था। जो हमारे पास वीडियो जो रखी हुई थी बस मैंने वही क्लिप इसमें ऐड कर दिया है। और अभी जो यहाँ पर केक खिलाई हैं वो मेरी दी हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने बीच में जो है मतलब छोड़ दिया था ब्लॉगिंग करना, मैं केवल स्टोरी वगैरह की वीडियो शेयर कर रही थी, तो इसलिए मेरा इस पर ध्यान भी नहीं गया कि मैं वीडियो वगैरह बनाऊं। क्योंकि क्या होता है जब आप ब्लॉगिंग करते हो तो फिर मन करता है कि वीडियो अच्छे से बनाओ, शेयर करो ब्लॉग में, लेकिन इस समय ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं वीडियो वगैरह बना रही थी। तो जो भी जैसे भी थोड़ा बहुत शूट हुआ था वीडियो मेरे पास रखा था, इसीलिए मैंने खुद मतलब कैमरा नहीं उठाया, नहीं मैंने कोई वीडियो वगैरह बनाया। और यहाँ पर ये हैं मेरे हस्बैंड
और उनके बगल में ये जो बैठी हैं ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है मेरी सिस्टर है, मुझसे छोटी है। उनके बगल में जो ये है बेटी वही सिस्टर की बेटी है। फिर बगल में मेरी दी है, दी का बेटा है। इधर मेरी जीजू है और जीजू की बगल में जो वो है दी की बेटी है। और ये सेकंड नंबर की बहन के हस्बैंड हैं और इधर मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स वगैरह बैठे थे। और क्या हुआ कि अगर मैं उस समय ब्लॉगिंग करती, वीडियो वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती, ब्लॉग बना रही होती, तो मैं ज़रूर अच्छे से वीडियो बनाती। इसलिए मैंने बिल्कुल भी नहीं, बस ज़रा सा यहीं पे अभी जो आपको दिखा, बस मैंने ज़रा सा यहीं पे मोबाइल से कैमरा ऑन करके थोड़ी सी मतलब बिल्कुल वीडियो बनाने की कोशिश की थी, बिल्कुल ज़रा सा। और यहाँ पर क्या हुआ कि बेटू जो है काफ़ी मस्ती कर रहा था दी के बेटे के साथ, मतलब खेल रहा है। और देखिए कैसे मतलब ऊपर चढ़ा हुआ है। और इसको मैं यहाँ पे बार बार मना कर रही थी कि बेटू ऊपर नहीं चढ़ो, नहीं गिर जाओगे। लेकिन ये पता नहीं इसको क्या मतलब मस्ती कर रहा था, कितना इसको मज़ा यहाँ पर आ रहा था। ये बार बार जाके ऐसे खड़े हो जा रहा था वहाँ पे, तो इसीलिए मैंने इसका यहाँ पे वीडियो बनाई। मैंने कहा कि उतरो नहीं भी, मैं पापा के साथ अभी ये वीडियो शेयर कर दूँगी। बिल्कुल मान ही नहीं रहा था, डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए। और फिर ये मैं बेटू को लेके जा रही हूँ छत पे, आज वहाँ पे इसको नहलाऊँगी। क्या हुआ कि आज स्कूल नहीं गया हुआ है तो ये घर पर ही है, तो ये मैंने कहा इससे चलो कि अच्छे से खेल लो। क्या है एक्चुअली ये यहाँ गमले में इसको कहीं मिट्टी दिख गई थी, एक दिन ये आया हुआ था छत पे तो कह रहा था कि मम्मा चलो। हमने कहा चलो ठीक है, मिट्टी में जाके अच्छे से आज खेल लो, अभी नहाए नहीं हो, फिर मैं आपको यहीं छत पे आराम से नहला दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मिट्टी के साथ कितने अच्छे से मस्ती करके मतलब खेल रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि मिट्टी वगैरह कभी मतलब खेलता नहीं है, अंदर मतलब ऐसे रह जाता है, तो ये मिट्टी वगैरह मिलता ही नहीं है। बस पता नहीं कहाँ से इसको एक गमले में मिट्टी इसको दिख गई थी, क्योंकि उस गमले में जो है प्लांट नहीं लगा हुआ था, तो ये उसकी मतलब वहीं पे नज़र थी। तो ये गया वहाँ से गमले से मिट्टी निकाल लिया है और खेल रहा था। और क्या हुआ कि मैं छत पे यहाँ पे जो है मेरी मशीन रखी हुई, तो मैं यहाँ पे मुझे कपड़े भी धुलने थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं कपड़े भी वॉश कर लूँगी और तुमको वहाँ पर मैं खेलने भी दूँगी, अच्छे से खेल लेना। जब कपड़े वगैरह अच्छे से गंदे हो जाएंगे तुम्हारे, फिर मैं आपको वहीं पर छत पर नहला के ले आऊँगी। तो वही मैं यहाँ पर बेटू के कपड़े वगैरह सब लेके आ चुकी हूँ, यहाँ पे मैंने रख दिया है। अब मैंने इसको छोड़ दिया खेलने के लिए, जी भर के खूब खेला था, लगभग एक घंटे के करीब में खेला, मिट्टी से जितना खेल पाया। हमने कहा चलो ठीक है खेल लो, क्योंकि बच्चों को मतलब मिट्टी वगैरह में खेलने देना चाहिए, लेकिन अब यहाँ सब कहाँ मिट्टी मिलता है खेलने के लिए। तो गाँव वगैरह में रहो तो मिट्टी मतलब मिल भी जाता है खेलने के लिए, लेकिन यहाँ कहाँ मिट्टी मिले। और बच्चे हैं मिट्टी उट्टी में खेलना पसंद भी करते हो, खेलने भी देना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक मैं इधर कपड़े धुलूँगी तब तक तुम आराम से खेलना। अभी मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगी, दिखाऊँगी वीडियो क्लिप दिखाऊँगी, देखिए आप कितने मस्ती करके इसने मतलब आज मिट्टी से खेला है। और मुझे भी अच्छा लगा कि चलो ठीक है, बच्चों की यही उम्र होती है खेलने की मिट्टी वगैरह में, फिर बाद में कहाँ खेलना रहता, और ये मिट्टी में खेलना ज़रूरी भी होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है खेलो। और यहाँ पर मैंने देखे कितने सारे कपड़े मतलब मशीन में डाल दिए थे साफ़ होने के लिए, साफ़ हो चुके हैं। मैं यहाँ पे इसको धुल दे रही हूँ और बीच बीच में मैं वीडियो बीटू की भी मतलब मैं बना ले रही हूँ, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा ये मिट्टी से खेल रहा था यहाँ से वहाँ तक कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी। मन कर रहा था कि मैं इसकी कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी क्लिप मैं बना ही लूँ। तो देखिए कैसे खेल रहे हैं, इस छत से लेके उस मतलब पीछे वाले छत तक पूरा मिट्टी ला ला के खूब खेले थे। और क्या हुआ कि मैंने इसको बाद में नहलाया, और नहलाने के बाद जब मैंने इसको रेडी कर दिया, अच्छे से तैयार कर दिया, तो उसके बाद ये जिद कर रहा था कि मम्मा फिर से मुझे मिट्टी में खेलना है। मैंने कहा कि इसीलिए मैंने आपको खेलने दिया इतनी देर तक फ्री होके कि खेल लो आराम से, उसके बाद मैं आपको नहला देती हूँ, तो फिर दोबारा तुम खेलने की बात कर रहे हो। लेकिन नहीं मान रहा था। फिर हमने कहा चलो ठीक है, अब मिट्टी फिर से मतलब इसने छू ही लिया था, हमने कहा ठीक है छू, लेकिन कपड़े नहीं गंदे हो। लेकिन कहो फिर बाद में मान गया था, ज़रा सा पाँच मिनट मतलब मिट्टी से थोड़ा सा खेलने के बाद फिर मतलब उठ गया था, तो कपड़े उसके गंदे नहीं हुए थे। मैंने बस इसके हाथ पैर और मुँह अच्छे से मैंने फिर से धुल दिए थे, और बहुत सारे कपड़े थे इसके पहले भी, देखे यहाँ बहुत सारे कपड़े अभी मतलब जो है टंगे हुए हैं सूखने के लिए। अभी मैं इसको सारे कपड़े यहाँ से ये उठाऊँगी, सारे हस्बैंड के कपड़े हैं जो कि सुबह ही मतलब डाल दिए गए थे सूखने के लिए, तो ये लगभग सूख चुके हैं। बस मैं इसको थोड़ा बहुत उलट पुलट के किनारे मतलब डाल दूँगी, थोड़ा बहुत और जो है धूप लग जाएगा
उसके बाद फिर मैं जो अभी मैंने यहाँ पे कपड़े साफ़ किए हैं उसको मैं फिर मशीन में डाल दी हूँ सूखने के लिए। जब वो सूख जाएंगे तो वो सारे कपड़े मैं यहाँ पे डाल दूँगी सूखने के लिए। तो बहुत सारे कपड़े हैं और इस समय जो है ठंडियों का मौसम आ गया है, तो क्या हुआ धूप वगैरह भी मतलब बहुत अच्छे से नहीं होती है, बहुत जल्दी मतलब शाम हो जाता है, धूप वगैरह चली जाती है। तो जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी मतलब कपड़े वगैरह साफ़ करके डाल दो तो सूखने के लिए सही रहता है। तो वही मैंने बहुत जल्दी मतलब फटाफट वाले काम जो है कपड़े वाले मैंने निपटाने की कोशिश की है। और खाना वगैरह तो मैंने बना लिया है, उस बेटू को भी नहलाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। और देखिए कितनी अच्छे से मिट्टी खेल रहा है, इसीलिए मैंने इसकी बार बार मैंने क्लिप ले ली है कि चलो मिट्टी वगैरह से जल्दी खेलता नहीं है, तो आज खेल रहा है तो इसके मतलब मैं अच्छे से वीडियो जो है बना लूँ। और ये सारी चीज़ें देख के अपने बचपन के दिन जो है वह याद आ जाते हैं कि हम लोग भी जब छोटे थे तो ऐसे ही मिट्टियों से खेलते थे, मतलब कितना अच्छा लगता था मिट्टियों से खेलने में। तो यही सब उम्र होती है बच्चों की खेलने की, और उनको खेलने देना चाहिए। और क्या हुआ था कि मैं बीच में जो है वीडियो वगैरह मतलब ब्लॉगिंग मैं नहीं कर रही थी, मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, मैंने बीच में स्किप कर दिया था ब्लॉगिंग करना, क्योंकि मतलब मेरा मन ही अचानक से नहीं कर रहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ ब्लॉगिंग करूँ। क्योंकि क्या है कि व्यूज वगैरह जब अच्छे नहीं आते हैं, आप इतना मतलब मेहनत करो इतना एफर्ट डालो, उसके बावजूद जो है ऐसा हो कि व्यूज वगैरह ना आए, उसके अच्छे रिस्पॉन्स ना मिले, तो वीडियो वगैरह नहीं बनाने का मन करता है। तो बस यही रीज़न था मैं नहीं ब्लॉगिंग कर रही थी, नहीं ब्लॉग बना रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि बीच में मेरा मन नहीं माना तो मैं स्टोरी वगैरह बना के वीडियो शेयर कर दे रही थी। क्योंकि क्या होता है जब आप कोई काम रेगुलर करते हो और मतलब एक उम्मीद के साथ एक मतलब अच्छा लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, फिर पता चलता है कि अगर उसके रिस्पांस अच्छे नहीं होते हैं तो फिर मतलब अचानक से मन जो है डीमोटिवेट हो जाता, नहीं मन करता है बनाने का। बस यही रीज़न था मैं नहीं कर रही थी ब्लॉगिंग। और यहाँ पर ये देखिए मैं बना रही हूँ आज टमाटर की चटनी, इसमें है टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च और ये है जो सूखी वाली खटाई होती है, और थोड़ा सा मैंने इसमें हींग डाला है, नमक डाल दिया है, ये सब मैं ऐड करके यहाँ पर टमाटर की चटनी आज बनाई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। वैसे एक्चुअली क्या है कि मतलब मेरी एक दूसरी टमाटर की चटनी जो मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये मेरी फेवरेट है वो है, लेकिन ये भी वाली टमाटर की चटनी बहुत अच्छी बनी थी, ये बेटू को बहुत पसंद आया था, तो वो वाला इतने मन से नहीं खाता, इसलिए मैंने सिर्फ बेटू के लिए वाली टमाटर की चटनी है बनाई है। क्योंकि खाना खाने में बहुत परेशान कर रहा था तो मैंने कहा चलो ये वाली टमाटर की चटनी बनाते हैं, हो सकता है ये खाना मन से खाए, तो इसने फिर इसी टमाटर की चटनी की वजह से इसने मन से खाना खा लिया था, तो मैंने कहा चलो मेरा मतलब टमाटर की चटनी बनाना सफल हो गया। और इससे पहले जो मैंने अभी आपको क्लिप दिखाई थी बेटू को, वहाँ पर बेटू जो है बहुत अच्छे से खेल रहा था, खाना वगैरह बना रहा था और दुकान वगैरह भी लगा के रखा था, मोमो जो पता नहीं क्या क्या मतलब बेच रहा था, तो मैंने उसकी भी यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप ली थी। और यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ लौकी की मसालेदार सब्ज़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो मैंने इसकी फुल रेसिपी आप लोगों के साथ नहीं शेयर की है, लेकिन ये वाली जो सब्ज़ी मैं बनाती हूँ बहुत ही अच्छी बनती है। कि अगर क्या है कि अगर लौकी जो है अगर आप सिंपल तरीके से बनाते हो तो इतना मज़ा नहीं आता खाने में, और लौकी वगैरह ऐसी चीज़ होती है कि काफ़ी हेल्दी होता है, तो आप इसको अच्छे से बना दो मतलब थोड़ा कहीं इसमें मतलब अच्छा एफर्ट डाल के, तो खाने में तो टेस्टी हो ही जाता है, प्लस ये है कि हेल्दी होता है, तो मतलब आप उसको मन से खाते हैं, बच्चे वगैरह भी खा लेते हैं। तो ये वाली जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और अक्सर मैं ऐसी ही वाली लौकी की सब्ज़ी बनाती हूँ, जब भी मैं लौकी की सब्ज़ी बनाती हूँ तो इसी तरीके से बनाती हूँ, तो बेटू भी आराम से खा लेता है। तो अगर बच्चे मन से खा लें तो फिर मतलब अंदर से काफ़ी सुकून मिल जाता है। तो यहाँ देखिए हमारी सब्ज़ी जो है बन के रेडी हो गई है, लौकी की सब्ज़ी, और ये देखिए बहुत ही अच्छी बनी, मैंने इसमें खटाई वगैरह डाली है, सरसों वगैरह डाल के बनाई है, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी है। अब मैं इसी कुकर में जो है जो खाली हुआ इसी में मैं चावल डाल दूंगी बनने के लिए। और अभी मैंने जस्ट मतलब 15 मिनट के लगभग हुआ होगा मैंने एक वीडियो जो है अपलोड किया है बहुत दिनों के बाद, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं बीच में जो है ब्लॉग नहीं शेयर कर रही थी, उसको स्किप कर दी थी, लेकिन मेरा फिर बीच में बहुत मन करने लगा कि मैं फिर से ब्लॉग बनाऊँ। क्या है कि अगर आप किसी काम को करते हो
रेगुलर बेसिस पे, तो अक्सर मतलब क्या होता है उस चीज़ में इंटरेस्ट आने लगता है। तो वैसा ही कुछ था कि मेरे साथ भी, कि फिर मुझे ब्लॉग में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था, तो लेकिन मैंने बस ऐसे डीमोटिवेट होकर छोड़ दिया था, लेकिन फिर मेरा मन अंदर से नहीं मान रहा था, तो मैं फिर से ब्लॉगिंग जो करना मैंने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर वही मैंने अभी एक वीडियो जो है अभी अपलोड किया है, लगभग 15 मिनट हुए होंगे, तो मैं काफ़ी आज खुश हूँ। वही मैं आपको यहाँ पर बता रही थी कि मैंने जस्ट अभी एक वीडियो जो है उसको पब्लिश किया है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं यहाँ पे चाय बनाने के लिए आ गई थी शाम की किचन में, तो बेटू बस ऐसे अचानक से कहा कि मम्मा मुझे मैगी खाना है, तो फिर रखा हुआ था मैगी, तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। तो वही मैंने यहाँ पे मैगी जो है बनाया है, तो फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा जान के बनाया कि मैं भी खा लूँगी, मेरा भी मन कर दिया था खाने के लिए, क्योंकि मैगी वगैरह मैं जल्दी नहीं बनाती हूँ। और इधर मैंने आज जो चाय बनाई है, मैंने इसको यहाँ पर कुल्हड़ में जो है इसको छान लिया है, इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था कि क्या बताया। मैं कई दिनों से ऐसे ही इस कुल्हड़ में चाय जो है अक्सर मैं पी रही हूँ। और यहाँ मैं छत पे आज बैठ के वीडियो की मैं एडिटिंग कर रही हूँ वॉइस ओवर की। क्या हुआ कि बेटू जो स्कूल गया हुआ है, तो मैंने सोचा चलो छत पे यहीं बैठ के आराम से वॉइस ओवर कर लेते हैं। और बेटू को लाने का टाइम हो गया स्कूल से, 12 बजने वाले हैं, तो मैं फटाफट जा रही हूँ रेडी होके बेटू को स्कूल से लाने जाऊँगी। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और अच्छे ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।